भोजपुरी में लोग अपने आप को पावर स्टार कह लेते हैं, वायरल स्टार कह लेते हैं, ट्रेंडिंग स्टार कह लेते हैं। सभी को प्रणाम और आपको बहुत सारी स्वागत, यहाँ आप आए हैं हम लोग का इंटरव्यू लेने। देखिए हैं हेमंत शुक्ला जी, सिंगर भी हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, और अच्छा है आज इनके स्टूडियो में हम बैठे हैं और हमारी मुलाकात हो गई है। क्योंकि देखिए यही लोग जड़ होते हैं तो इन लोग को पता होता है कि इसका मतलब आगे पुलवी होगा कैसा। अगर बात करी जाए बड़ा कंट्रोवर्सी में, आप भोजपुरी सिंगर हैं इसलिए आपसे सवालत करता हूँ कि आप भी स्टेज शो करते हैं, स्टेज शो पर जाके क्या लगता है कि जो नाचने वाली होती हैं उनके साथ अश्लील हरकत किया जा सकता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए अश्लील हरकत की बात जहाँ तक बात है, और सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं आजकल का, आपको जितेंद्र भैया मैं बता दूं, मुद्दा मतलब पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है दुनिया कुछ भी करवाने के लिए मजबूर कर दे रही है। पैसा कुछ भी करवा रही। आप अच्छे से गाएंगे, अच्छे सिंगर रहेंगे, कंट्रोवर्सी में रहेंगे तो आपको 10,000, 20,000, 25,000 पे कार्यक्रम मिलेगा। आप अश्लील करेंगे, डांसरों को चिपकेंगे, दारू पी के नचाएंगे। अच्छा डांसर भी कम नहीं है। अच्छा हम लोग तो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, देख रहे हैं, गाड़ी में पहुंच रही पहले डांसर खुद ड्रिंक कर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप स्वयं ड्रिंक की है, आपके सामने ड्रिंकर पहले ही खड़ा है, एक चीज ये भी होता है डांसरों का, देखिए ठीक है जो भी है गलत है सही है, उनके भी उनकी चीजें देखिए आप कि जो आपके सामने स्टार है आप उसके सामने तल तल के खड़े हो रहे हैं। ठीक है आप बगल में छोड़ लीजिए उसका गलती है, जो स्टार नहीं है उसको टच करने में आप सती कार्यक्री हो जाते हैं। तो अश्लीलता सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो स्टेज प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कलाकार जो होता है, कहा जाता है कि अगर 10,000 लोग खड़े हैं आप उन्हीं से परिचय रहे, एक कलाकार सबको अपना बना, बिल्कुल अगर वो खड़ा है तो सबको अपना बना, लेकिन अश्लीलता अगर स्टेज शो के पास हम लोग वायरल चल रहा है कि स्टेज शो पर जाते हैं और प्रणाम करते हैं, इस तरह से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर लेडीज की एक औरत की एक महिला की बात करें तो उसका इज्जत और अवसर दोनों बताया जाता है, कोई सम्मान है, अगर उसका अवसर को टच करते हैं तो ही तो उसकी इज्जत को टच करते हैं, वो जाते हैं सीधा उसके अवसर को टच करते हैं, ये कहा जाता है। जहाँ तक बात प्रमोद प्रेमी की है, खैर प्रमोद प्रेमी ऐसे अकेले नहीं है, भोजपुरी में एक से एक कलाकार हैं। अच्छा। जो आए दिन करते रहते हैं। और अभी प्रमोद जी का जो है वीडियो वायरल है प्रमोद प्रेमी जी का, तो उनकी गलती नहीं है, उनके संस्कार की गलती है। मुझे लगता है कि उनके संस्कार की गलती है। हम आप हैं अगर आज भी नॉर्मल घर की लड़की या लड़के, हम उसी संस्कार से बाहर आए हैं कि जिस संस्कार में जैसी अपनी बहन वैसे सबकी बहन, तो उनके संस्कार में हमको लगता है ये चीज़ें हैं, शुरू से माँ बाप ने सिखाया होगा कि प्रणाम पैरों में नहीं किया जाता है, चरण में नहीं। पहले होता था, अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले होता था सब लोग पूरा झुक के पैर में प्रणाम करते थे, तो फिर घुटने पे आया, फिर कुछ लोग जो है वहीं से कर लेते हैं। तो हमें लग रहा प्रमोद जी के संस्कार में परिवार में उनको सिखाया गया है कि प्रणाम कहाँ किया जाता है, और पापा मम्मी को भी वो ऐसे ही प्रणाम करते होंगे, घर में बहनों को भी प्रणाम ऐसे ही करते होंगे। अरे आप तो क्या होता है कि उस लेडीज को भी कह रहे हैं कि इस तरह से सिंगर करते नहीं। देखिए लेडीज अगर अपने जगह सही होती तो ये हो सकता है क्या? वो भी तो ऐसे कर रही है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़के सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं लड़के की बात नहीं है, यहाँ एक सिंगर और एक आप ये बताइए कि आप एक इंसान बहुत अच्छे फैमिली से है, वो कुछ करना चाह रहा है, तो उसके घर वाले पहला काम कहते हैं अरे नचनिया बजनिया नहीं बनेगा। क्यों भैया, नचनिया बजनिया में क्या प्रॉब्लम है? संगीत के टीचर नहीं होते हैं? होते हैं। इन लोगों के चक्कर में आप एक घर से उठ रही हैं, आपको खाने का नहीं आटता है, आप यहाँ आ रही हैं, आपका कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ आने के बाद आप पहले बहुत सीधे बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं। हम लोग शूटिंग में देखते हैं एक से एक मॉडल आ रही हैं, सर हम बहुत अच्छे परिवार से, हमको खाने का नहीं है। 2 महीना बाद जो अच्छे परिवार से है उनके मुंह से टाड़ गालियां निकल रही हैं कि अरे साला ये कर रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि अगर आप अश्लील नहीं बोल रहे हैं तो शूटिंग नहीं करना चाहिए। अश्लील से शूटिंग होता है, हमारे गाने से होगा शूटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मैं लड़का हूँ लड़कियों को बोल रहा हूँ, बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं। अभी मंच पे आप हाथ की बात कर रहे हैं, पैसा पकड़ाइए झापड़ लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको कहा जाता है ना कि नाचने वाली, अब क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन बहुत शर्मिंदगी होता है लोग को देखने का। अगर समाज में देखा जाए कितना अगर इस तरह से, अगर रील में तो होता है, आप स्टूडियो में बैठ कर लेते हैं तो रील में भी नहीं चाहिए, होना तो रील में भी नहीं, टीवी में भी बैठ के हो रहा है, रील में हो रहा है, मंच पे आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके सामने कम से कम कोई भी मंच नहीं है,
लड़कियां ना हो, बिल्कुल। चार लोग बुक किए हैं, दारू पिए हैं, हाथ लगा रहे हैं आप, उनके स्तन को पकड़ रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, वो चार खुश रहेंगे, जो आपको बुलाएं वो खुश रहेंगे, क्योंकि वो आपके चमचे हैं, वो इसलिए आपसे खुश रहेंगे, वो आपके चमचे हैं। अब वहां से एक लड़की उठ के नहीं कहने आएगी ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मंच पे। मैं बस इतना कहूंगा कि जीवन में आज तक वो सिर्फ अपने चीजों को बढ़ाने के लिए खेसारी कापी दुद्धू टबिया हमको दुद्धू बिया भाई बना ही पता है। अरे बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये घर उनकी पत्नी है ही, और उनके मैंने पहला शब्द बोला ना कि उनके संस्कार में है ये। उनकी एक एक्स वाइफ भी है, प्रियंका जी जो है डांसर ही है वो। अरे तो नाम भी जानते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से तो डांसरों के जीजा हुए, तो जीजा सालियों में सब चलता है। अच्छा। तो हमें लगता है भाई वो अपना साली समझ कर घर, क्योंकि वो ये प्रणाम अपने घर में अपने बहन के साथ कर सकते हैं, माँ के साथ कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं। क्या अगर इनकी पत्नी डांसर है तो वो डांसर उनकी सालियाँ हैं, तो भाई जीजा साली के रिश्ते आपके गाने नहीं बज रहे कुछ नहीं, आप जो कंट्रोवर्सी चल रही है, गाने आप कितना भी मेहनत कर दीजिए आप बहुत अच्छे गाने गाइए, आपको कोई नहीं, आप बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं, आपको फोन आया अभी गंदगी फैली है, आपको 10 जगह से फोन आएगा। तो देखिए प्रमोद प्रेमी जैसा कार्यक्रम चाहिए मुझे। तो बिहार का एक सिंगर बताइए जो बिना नाचने वाली गा दे गाना, बिल्कुल। मैं उत्तर प्रदेश बहुत सारे सिंगर गिना दूंगा। तो हमेशा कंट्रोवर्सी वहां से होती, और वहां संस्कार में होता है ये चीजें, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे महान भाव हैं आते हैं। तो ऐसा नहीं प्रमोद प्रेमी ये पहला कर दिए हैं, ऐसे दिग्गज जो महापुरुष हमारे हैं, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, जो अपने आप से स्टार का लेवल भी, आज तक हमने कभी हिंदी सिंगरों में नहीं पढ़ा है कि स्टार, कभी आप देखे कि फला स्टार उदित नारायण, ये स्टार कुमार सानू, भोजपुरी में सब हैं, अपने अपने के स्टार हैं, जो है माटी के स्टार, देसी स्टार, अब कुछ नहीं बनेगा तो अस्तन स्टार, चड्डी स्टार, यही सब बनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब उनके पास कोई लेबल नहीं बचा है। तो क्या लगता है ऐसे गायकों का क्या करना चाहिए, मुंह पे चार चप्पल लगे ऐसे गायक जीवन में कभी नहीं कर सकते, और ये जो देवियां उनके साथ चलती हैं, जो प्रमोद जी के तो सालियां उनके लिए छूट है, मैंने पहले बोल दिया कि कई शब्द में सब है, जिसके संस्कार में भाई थप्पड़ लग जाता है, बिल्कुल कि ये कौन सा पड़ाम होता है, बिल्कुल। लेकिन उनके संस्कार में सिखाया गया है, सोचिए कि गाना है कि दूठ मुंडी, रावण कलाओं यहाँ कोई पृथ्वी लोक में है जिसके पास दो मुंडी हो, किसी के पास नहीं, ये कौन सा मुंडी पहला आ गया जिसमें दो मुंडी दिख रहा है इनको, ये सिर्फ प्रमोद प्रेमी ला सकते हैं कि दो मुंडी। बहुत लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे टुनटुन और क्या उनका नाम है, बहुत सारे लोग हैं, यादव जी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यादव जी लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं उनके ही मसीहा तो भी हैं, वो मसीहा है ना। अब जैसे एक चीज आप हमेशा देखिएगा, आप न्यूज चैनल चलाते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, आप अच्छे चीजों को डाल रहे हैं तो आपको एक एकत्रित लोग अच्छे लोग देखते हैं, आपके कमेंट में मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, मैं अक्सर सभी न्यूज़ को देखता हूं, मेरी आदत है कि मैं खाली टाइम में हमेशा पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं कि क्या कौन डाल रहा है क्या। तो आप अच्छा चीज़ कर रहे हैं ना तो आपसे लोग दूर जाएंगे, बिल्कुल। आपसे वो जुड़ेगा जो कट्टर रहेगा कि नहीं हाँ ये अच्छा है मैं इस पर खड़ा हूँ। लेकिन सही, आप भी तो बहुत अच्छा गाना गाए, लोग नहीं देख पाए अश्लील, तो सभी लोग देखिए। मैं तो अपने जीवन में बता दूं कि मेरे गीतों को उठा के आज मैं प्रमोद प्रेमी नहीं, भोजपुरी का अपने आप को जो स्टार समझते हो आके बैठ जाए मेरे सामने गायकी करके देख लें, दो मिनट में जमीन पर ना आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हाँ, मैं इतना औकात रखता हूँ, और मैं मुझे ये कोई शौक नहीं है मेरे जीवन में, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि मेरे संस्कार गंदे हों। मेरे शुरू से संस्कार में यही सिखाया गया है कि किसी के माँ बहन को गाली देकर अगर आगे बढ़ना तो मत बढ़ना, बिल्कुल भीख मांग लेगा इंसान। लेकिन मैं आज तक अभी से नहीं, मैं 10 साल से गायकी करता हूँ, मैं हमेशा, मुझसे बहुत लोग बोले कि भैया आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आपके एल्बम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अश्लील गाएंगे तो शायद वो
अच्छा ट्रेंड में आ जाए। अश्लील कभी गाएंगे कि नहीं? नहीं, मैं जीवन में नहीं गाऊंगा, मैं संगीत लाइन छोड़ दूंगा लेकिन अश्लील नहीं गाऊंगा, यही सच्चाई है। देखिए ये है असली, अगर देखा जाए कलाकार की अनुभूति किया जाए तो अनुभूति ऐसे लोगों से होता है। प्रमोद प्रेमी के बारे में जिस तरह से बयां कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है, बहुत करीब से जानते होंगे इसलिए बयां कर रहे हैं, वो भी उसी लाइन में, लोहा लोहे को ही काटता है ऐसा कहा जाता है। जिस तरह से शुक्ला जी हैं, हेमंत शुक्ला जी एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और गायक भी हैं, देखा जाए तो बहुत ढंग से इनका, जाके आप चैनल पर देखेंगे हेमंत शुक्ला सर्च करके एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी की गायकी और जिंदगी का संगीत होता क्या है, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि ऐसे पहले तो अगर आपसे जितने लोग बिहार से जुड़े हैं मैं उनसे जरूर ये कहूंगा कि आप लोग करवाना बंद करिए ताकि हम लोग को शर्म न करनी पड़े। अगर पब्लिक चाह लेगी तो दुनिया में सब कुछ हो जाएगा भैया। पब्लिक नहीं चाह रही है, पब्लिक इसलिए नहीं चाह रही कि चार लोग अच्छे हैं तो 44 लोग बुरे हैं। अब उन चार का चलेगा? कभी जीवन में नहीं चलेगा। तो मैं जितने यूपी बिहार जो भी देखने वाले दर्शक हैं और जो नहीं भी देखने वाले हैं वो भी कृपया इस चीज़ों को देखा करिए, और देखकर आप प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हम लोग को सपोर्ट मत सुनिए अच्छा गाना, लेकिन आप बुरों को मत सपोर्ट करिए। आप अगर हाँ अगर आप नहीं अच्छा देख सकते, नहीं टाइम आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी भी सिंगर, प्रमोद प्रेमी, पवन सिंह, खेसारी, किसी भी सिंगर को बताता हूँ, ऐसा किसी को कोई नहीं है जिसको मैं ना सुना हूँ, लेकिन उनके बहुत सारे अच्छे गाने हैं, आप उनको सुन सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग सुनना चाहें तब वो लोग गंदगी चालू कर दिए, किसी का औकात नहीं थी 2010 से 2011-12 में कोई गंद गा दे। बिल्कुल, और जो गा दिए वो माटी के दम पे जाके दबे हुए हैं, जीवन में कभी नहीं निकल पाए। बिल्कुल, तो मैं पब्लिक से यही कहूंगा कि अगर आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ बंद हो सकता है, और आप लोग नहीं चाहेंगे तो जो चल रहा है आज धोड़ी छू रहे हैं, कल जीवन में और कुछ शुरू करेंगे। अभी प्रणाम चल रहा है, कल का देखिए, लोग जनरेशन बचाने के चक्कर में पड़े कि मेरा जनरेशन, कल का नौबत आएगा कि नंगा डांस भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक बहुत बड़ी बात मैंने शुरू पहली लाइन बोला, मुद्दा पैसा। हिंदी आप बेस्ट गाना गाइए, बहुत अच्छे गाने, क्या अश्लीलता हिंदी में नहीं है? बीवर्स नहीं है ना? बिल्कुल, बीवर्स नहीं तो पैसा नहीं है, यहाँ बीवर्स है, भोजपुरी में बीवर्स है। व्यू चाहिए आपको, पैसा चाहिए तो आप शुरू करिए। अभी एक आदमी गाता है कि फला के नाम से गाना, अब 10 सिंगर उनके बहन के नाम से गाएंगे, भैया बीवर्स गया 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 भैया कमा लिए, सिंगर हैं, स्टार है वो, स्टार मतलब यही है। बीवर्स हटा के भी और हटा दीजिए, आन पब्लिक में गाना चालू कर दें, समझ में सबकी औकात आ जाएगी, और बिना डांसर गाना चालू कर दें, सबकी औकात समझ में आ जाएगा। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपको कैसा लगा, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।